नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दिल्ली की अहम सीट पर बैठने का रास्ता यूपी से ही जाता है, जिसको यूपी अपना सरताज बनाती है। दिल्ली उसकी झोली में जाती है, यही वजह है कि अब आपकी नज़र यूपी पर है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब कश्मीर में सफलता पाने के बाद अब यूपी पर विशेष फोकस किया हुआ है। और आज संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, कार्यकर्ताओं से विशेष बातचीत की हमारी रिपोर्टर कनक मिश्रा ने। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप पांडे, पूर्व प्रत्याशी वासी विधानसभा जनपद सिद्धार्थनगर। क्या जानना चाहती हैं आज के? हम जानना ये चाहते हैं कि ये प्रचार नहीं है, प्रचार नहीं है, हम किसी का प्रचार नहीं करते। हम ये जानना चाहते हैं कि आज आपके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आपके जो संजय सिंह हैं वो एक सम्मेलन भी कर रहे हैं, तो इस सब का मेन मुद्दा क्या है, क्या कंक्लूजन है कि आप लोग यहाँ पर गठित हुए हैं? देखिए, अभी जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देख रही हैं, हमारी पार्टी भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ही तेज़ी से आंदोलन चला रही है। आज माननीय संजय सिंह के द्वारा जो बल हम लोगों को दिया जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम सभी सीटों पर, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाएंगे, प्रधान का चुनाव लड़ाएंगे, BDC का चुनाव लड़ाएंगे। बहुत मजबूती के साथ हम उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से हम नगर निकाय के चुनाव में 100 सभासद और 12 चेयरमैन हमारे जीते, उसी तरह से आने वाले दिनों में हम सभी जिला पंचायत और के सारी सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। यही संदेश आज हम लोगों को माननीय सांसद जी से मिलना था। अभी हम लोग अभी रिचार्ज होंगे, यहाँ हम लोगों को ताकत मिलेगी, उसी ताकत के साथ, जोश खरोश के साथ हम लोग जाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे, इस कुशासित प्रशासन के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन जहाँ भी जरूरत होगा वहाँ हम लोग झंडा गाड़ेंगे। आम आदमी पार्टी हर जगह विपक्ष का रोल पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग अदा करेंगे। जहाँ भी, जैसे अभी बहराइच का मामला आपने सुना है कि आग में जल रहा है बहराइच, इस तरह का जो आंदोलन पार्टी द्वारा किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग पूरे भाईचारा के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, देश को विकास और तरक्की के साथ, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हम 5 प्रदेश में झंडा गाड़ चुके हैं। आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश के जितने जाबाज पदाधिकारी और हमारे सक्रिय कार्यकर्ता, जितने भगत सिंह यहाँ आए हुए हैं, ये जा करके इस बार जिला पंचायत सदस्य के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैं गांधी भवन में मौजूद थी, यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर संजय सिंह जी ने एक सम्मेलन रखा है कि थोड़ी देर में वो यहाँ पर आने वाले हैं। जो ये मेरे साथ कार्यकर्ता खड़े हैं, इनका कहना है कि BJP सिर्फ हिंदू मुस्लिम में विवाद कराती है, वो मेन मुद्दों पर काम नहीं करती, जैसे कि शिक्षा, रोजगारी और जो विभिन्न समस्याएं हैं, महिला की सुरक्षा, इन सब पे बात नहीं करती, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा करती है, हिंदू मुस्लिम में विवाद कराती है। जैसे कि बहराइच वाला जो हिंसा हुआ है, ये लोग सारा जो दोष है वो BJP के सर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में BJP का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे के अपडेट जानने के लिए बने रहें कैमरामैन अशर के साथ। मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।